69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मेरिट के नाम पर क्यों बदले नियम। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पहले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बाद में कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों की आपत्ति जताने और अपनी बात सुने जाने का आग्रह किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने दोबारा सुनवाई चालू की और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस यू ललित, जस्टिस मोहन एम संताना गौदौर और जस्टिस विनीत सरल की पीठ के सामने एक याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलों की शुरुआत की। उनका कहना कि परीक्षा होने के बाद कटाप में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश उनके मुवक्किल के पक्ष में था, लेकिन खंडपीठ ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। उन्होंने ये भी बात कहा कि कटाप बदले जाने के कारण बहुत सारे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा मित्रों का वेतन बेहद कम है। यदि कटाप को समान वर्ग के लिए 45% आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखा जाता तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों को अच्छे वेतन पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता था। पीठ ने उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं होते हुए मौखिक आदेश में फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत या स्टे देने से इनकार कर दिया। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञापन के वक्त समान वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40% कटाप तय किया था। परीक्षा के बाद इसे बदल दिया गया और समान वर्ग के लिए कटाप 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 7% तय किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के बाद कटाप में बदलाव गैरकानूनी असंवैधानिक है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गत 6 मई को पार्षद के निर्णय को सही ठहराया। तो शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को नोटिस। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की कटाप बदलने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 6 जुलाई तक रिक्तियों के ब्यौरे व भर्ती प्रक्रिया के घटनाक्रमों की जानकारी देने वाला चार्टर अदालत में जमा कराने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन व अन्य की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। शुरुआत में जस्टिस यू ललित, जस्टिस मोहन एम संताना गौदौर व जस्टिस विनीत सरल की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में दखल से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया। सरकार को कटाप बदलने का कारण बताने को कहा, यह भी बताने को कहा विज्ञापन में दी गई कटाप 40 व 45 रहने पर कितने प्रतिशत शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय है। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में सहायक नियमित सहायक शिक्षक बनने की कोशिश और संघर्ष में लगे शिक्षा मित्रों में कुछ उम्मीद की किरण जग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार का मन बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से भर्ती परीक्षा में शामिल हुए शिक्षा मित्रों के बारे में 6 जुलाई तक ब्यौरा मांगते हुए मामले को 14 जुलाई तक फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। यह मामला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार परीक्षा परिणाम भी घोषित कर चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।